जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहा हूं, या आप ये कह सकते हैं इस एक चार्ट के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोफेशन हम केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे डिसाइड करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि जातक को ये काम या इस फील्ड से संबंधित काम करने में उसको ज्यादा लाभ रहेगा। देखिए, जब कुंडली में ग्रह आपके किसी भाव में बैठे हों तो वो बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कि आपका गुरु यानी जुपिटर जीव कारक को इंडिकेट करता है, और अगर वो पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव से संबंधित जातक के ज्यादा जीवन में, क्योंकि उस जीव के जो जुड़ने के कारण है पंचम भाव से, वो काफी हिसाब से जुड़ जाएंगे। कर्म, उसके कर्म तो हम शनि से देखते हैं। कर्म कारक जो है ग्रह है वो शनि है, लेकिन अगर किसी जातक के विशेष रूप से जीवन के दौरान किस प्रकार वो लोगों से बात करेगा, किस प्रकार वो बिहेव करेगा, वो गुरु उसका पंचम भाव का बताएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शनि अगर मान लीजिए तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो जातक के जो काम के दौरान कलीग्स के साथ संबंध कैसे रहेंगे, कहीं ना कहीं वो तृतीय भाव की संभावना उस करेक्टरिस्टिक के उसके काम में आने की बढ़ जाती है। ये एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें देखना हो, एक बार विशेष रूप से ऊपरी स्तर पर देखना हो तो ये पहले हमें देख लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में जब भी अगर हमें किसी जातक के प्रोफेशन के बारे में बात करनी होती है तो हम विशेष रूप से बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस की अगर हमें बात करनी है तो 10th हाउस में भी हमें यहाँ पर विशेष रूप से जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि 10th हाउस का जो कसपल सब लॉर्ड है वो कौन बना। इस चार्ट में 10th हाउस का कसपल सब लॉर्ड जो है वो मार्स बना। यानी जातक के जीवन में अगर हमें कोई काम सजेस्ट करना है वो यहाँ पर मार्स की स्थिति देखे बगैर हम नहीं करेंगे। पहला बात तो ये कर सकते हैं कि ये जातक स्वयं का काम करेगा या नौकरी करेगा। अगर ये जातक स्वयं का काम करेगा तो मार्स कहीं ना कहीं साथ दिखाएगा। अगर वो जातक जॉब करेगा तो कहीं ना कहीं ये 6 दिखाएगा। अगर स्वयं का काम करेगा तो साथ दिखाएगा, अगर किसी के यहाँ जाके काम करेगा तो उसको 6 दिखाएगा। दूसरी बात, अब हमारे को ये पता है कुंडली में 1 से लेके 12 तक डिफरेंट घर होते हैं, और हर घर से हम कोई ना कोई कोई डिफरेंट टाइप के कार्य का या काम को एसोसिएट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसा मैंने देखा 10th हाउस का सब लॉर्ड जो यहाँ पर बना मंगल बना, और अब हम मंगल की स्क्रिप्ट के ऊपर चले जाएंगे इस जातक की, जो पहला प्लेनेट है मंगल वो अब इस यहाँ पर सोर्स का काम करेगा, और जो मून है जो ये दिख रहा है आपको 2nd नंबर पर, ये रिजल्ट देगा, और जो सन है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बताएगा। लेकिन इस चीज को विशेष रूप से देखने के लिए हमें मार्स की महादशा या भुक्ति, या आप उसको अंतरदशा कह सकते हैं या प्रत्यंतर दशा देखना पड़ेगा, या आप महादशा अंतर और प्रत्यंतर मैप जो बोलते हैं, कुछ लोग केपी में इसको दशा भुक्ति और अंतरा भी बोलते हैं। ये बात की बात है कि उसका काम में परफॉर्मेंस कैसे होगी जब हम इस सोर्स रिजल्ट या क्वालिटी को बात करें। लेकिन अगर ये जातक आया हमारे पास और पूछने के लिए आया कि मैं क्या काम करूं, तो उस काम का सजेस्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर शनि का हमने पोजीशन देख लेना है। शनि जहाँ पर भाव में बैठा होगा एक हमें फेयर आइडिया लग जाएगा उसके लिए। दूसरी बात, हमें जो देखना है 10th हाउस देखा,
टेंथ हाउस का कसपल, सब लॉर्ड देखा मार्स, फिर हम उसकी स्क्रिप्ट के गए, फिर मार्स के जो हमने यहाँ पर देखे पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं। इस जातक का जैसे मैंने कहा 6 और 7 में से एक जो भी प्रोमिनेंट होगा वो जातक अगर 6 होगा तो स्वयं का काम करेगा, 7 होगा तो ना 7 होगा तो स्वयं का काम करेगा, 6 होगा तो किसी के यहाँ नौकरी करेगा, चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे कोई प्राइवेट नौकरी करे, वो बाद की कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जातक स्वयं का काम करने के ज्यादा चांसेस हैं और ये स्वयं का काम करने से सफल होता हुआ दिख रहा है। दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि जातक का जो मार्स है बेसिकली विशेष रूप से 3, 7, 10 दिखा रहा है। थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 10th हाउस को कर रहा है। थर्ड हाउस में ऑलरेडी सैटर्न बैठा है, 7th हाउस में यहाँ 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं और 10th हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड हाउस मीडिया को इंडिकेट करता है, फिल्म मेकिंग के लिए, आर्टिस्ट के लिए कहीं ना कहीं 5th हाउस का रोल भी आ जाएगा, वो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाते हैं, तो थर्ड हाउस हम यहाँ पर ले रहे हैं मीडिया तो या कम्युनिकेशन। इस जातक ने जो पहली जॉब की थी वो रेडियो स्टेशन पे की थी या कहीं पर अपनी वॉइस का जरिए का काम करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं हुआ। फिर दोबारा जब फिल्म मेकिंग में आए तो वहाँ पर फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी जो, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रोल के हिसाब से मिलता है, तो वो स्वयं का काम कहलाएगा। और स्वयं के काम में, क्योंकि वो परमानेंट काम नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, अगर आपको आया भी है काम तो आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, इसलिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। 3, 7, 10 यानी मीडिया, एक्टिंग या वॉयस जो भी आप कहें, क्योंकि वहां सैटर्न बैठा हुआ है और सैटर्न जो है प्रोमिनेंटली फिर वापिस 1, 3, 12 और 6 के भी रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर हमें देखता है कि ये जातक किसी के दूसरे का काम करेगा लेकिन अपनी मर्जी से करेगा, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे 3 और 7 का काम इन्होंने किया और लाइफ में सक्सेस रहे। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर विशेष रूप से ये नहीं था कि भाई मैं आपको यही कहूँ कि भाई यहाँ पर काम कैसे देखने हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो जुपिटर की स्क्रिप्ट, मैंने आपको बोला था जुपिटर जो है शुरू में जब वीडियो शुरू हुआ तो मैंने बोला था कि जुपिटर आपका जिस भाव में बैठा है, जुपिटर जो आपके पॉइंट या हाउसेस सिग्निफाई करता है, यहाँ पर इस जातक के 2, 5, 11 करता है। जुपिटर चाहे पंचम भाव में आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन सिग्निफाई जो वो कर रहा है 2, 5, 11। तो जैसे मैंने कहा आर्टिस्ट के लिए 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, जो लोग केपी को या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो केपी का ही जैसे वाली नाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं भृगु नंदी नाड़ी की बात नहीं कर रहा, वो फॉलो करते हैं, अगर उनको ये पसंद नहीं आए तो आप बिल्कुल इसको फॉलो मत कीजिए। लेकिन जो लोग मेरे पढ़ाने के तरीके में और प्रोडक्शन में विश्वास करते हैं तो आप इसको अलग से विशेष रूप से लगा के देखिएगा। मैंने क्या बोला है कि आप पहले जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन देख लें चार्ट में, पहली बात। दूसरी, जहां पर आपका 10th हाउस का कसपल सब लॉर्ड बैठा है या वो क्या नंबर सिग्निफाई कर रहा है उसको देख लें। सेकेंड स्टेप, जब उसमें वो पॉइंट्स आ जाए तो जुपिटर का वापिस एक बार रिविजिट कीजिए, जुपिटर जो हाउस सिग्निफाई कह रहा है अगर उनका और जो कसपल सब लॉर्ड के जो पैरामीटर्स का कोई लिंक बनेगा तो अवश्य ही वो जातक उस प्रोफेशन में वहां पर कामयाब होगा, सक्सेस होगा, उसकी डिजायर पूरी होगी। अब मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। जब इस जातक की सैटर्न की महादशा चली जो कि 4/7/1971 से लेके 4/2/1990 तक चली, ये जातक अपने एक्टिंग के कैरियर में बिल्कुल छाया हुआ था नंबर 1। लेकिन ना 1990 से लेके सैटर्न भी यहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री है, लेकिन क्योंकि ये सैटर्न से संबंधित काम था तो सैटर्न वहां पे बैठा ही हुआ है तो वहां पर बहुत सफलता दिख रही। लेकिन
अगर विशेष रूप से सैटर्न की महादशा की बात करेंगे तो 6-8 है, तो इनकी हेल्थ, एक्सीडेंट या लाइफ में और भी सडन अनसडन जो भी इवेंट्स है वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ में, वो रहेंगी रहेंगी। तो यहाँ पे सैटर्न की महादशा में 1-13-12, 1-3-12, 6-6-8, 6-8 ये दिख रहा था प्रोमिनेंटली। तो आपको पता ही है मूवी मेकिंग में बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, बहुत सारा डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं करना है, हम तो सिर्फ प्रोफेशन का ले रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सैटर्न की महादशा में जातक बहुत प्रोमिनेंटली सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मार्स भी वहां पर 3-7-10 दिखा रहा था, और 3-7-10 का काम जातक कर रहा था, और साथ में सैटर्न 3 में ही बैठा था, वो दशा बहुत बढ़िया गई जातक। इसके बाद जब सैटर्न के बाद मरकरी की महादशा स्टार्ट हुई, मरकरी की महादशा में कहीं ना कहीं जातक का, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट भी है, लेकिन हम इसको ये नहीं देख रहे कि भी वहां से, लेकिन ये एक पीरियड था जब 1990 से लेके 2000 का, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का, जहां पर इनको कंटिन्यूअसली वो हाई स्टेटस वाली पीक वाली सक्सेस नहीं मिली जो पहले सैटर्न की महादशा में मिल रही थी। बीच बीच में छोटे छोटे लॉट आए, सफलता भी मिली, अच्छे से सरवाइव भी किया, लेकिन ये 1990 से और 2000 तक ये एक 10 ईयर का पीरियड एक है जहां पर व्यक्ति का एक एज वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन और एक प्रोफेशन वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन था, और जो पीक रोल चाहिए थे उस टाइप के मिल नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड था, और मरकरी जो है सिग्निफाई जो कर रहा है वहां पर 6-7-8 कर रहा है, 6-7-8, जबकि मार्स भी 3-7-10 कर रहा था, लेकिन क्योंकि मरकरी की जब महादशा आई तो कहीं पर भी वो प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं 10 या 11, उस लेवल के अगर ये दो नंबर आ जाए तो ज्यादा सक्सेस मिलती है, वो दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमने एक ये चीज देखा। दूसरी जो चीज देखी, मरकरी के नीचे जो सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं, या मरकरी के साथ जो हम उसका रिजल्ट देने के लिए मार्स देख रहे हैं, और क्वालिटी भी मार्स की है, यानी यहाँ पर एक चेंज हुआ कि इनका लाइफ का जो एक ट्रांजिशन आना था बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आया। एक आर्टिस्ट की तरह जो एक सैटर्न जो वहां पे प्रोफेशन दे रहा था, और मरकरी के पीरियड में जब पर्टिकुलरली मरकरी राहु का आया तो इनका केबीसी का प्रोफेशन स्टार्ट हुआ, जबकि यहाँ पर रिजल्ट की क्वालिटी और रिजल्ट देने की काम मार्स का ही था, जो पहले उनके प्रोफेशन को बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब मरकरी की महादशा आई, ये जातक को आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ 3 नंबर बिल्कुल नहीं है, और वो 3 नंबर का ही काम कर रहे थे। अगर ये पहले से ही 3 नंबर के काम की जगह अगर 5 नंबर में, जैसे एडवाइजर, काउंसलर, एंटरटेनमेंट, इस टाइप की जो चीजें हैं, जो टेलीविजन के टाइप की चीजें हैं, अगर उनमें पहले शिफ्ट कर जाते तो प्रोफेशन फिर चलता। फिर सन 2000 के बाद से फिर इन्होंने वापस रिकवर करना शुरू कर दिया, और सन 2000 से 2000 तक, 7 तक इनका फिर टेलीविजन इंडस्ट्री की वजह से ग्राफ बहुत ऊपर उठ गया। सिर्फ क्यों? यहाँ पर जो 3 की जगह इन्होंने 5 नंबर का काम वापिस पकड़ लिया। और मरकरी जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, यानी रजत लेवल पर भी वो प्रोमिनेंट हो जाता है, नक्षत्र से पहले अनटेनेंटेड प्लेनेट अपने खुद रिजल्ट देने की जिद करता है, क्योंकि जातक ने उसको खुद 5th हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया था, तो 3rd हाउस मार्स दे रहा है। जैसे ही इनका ये टीवी का चला, उसके साथ मूवी भी आ गई, दोबारा से टेलीविजन भी और मूवी दोनों का चल पड़े। फिर उसके बाद जो इनका पीरियड गया है 2007 से 2014 तक, आप कह सकते हैं वो भी एक पीरियड डिफरेंट गया होगा, क्योंकि वहां पर केतु की इनकी महादशा स्टार्ट हो जाएगी, और केतु वापिस जो इनके चार्ट में है 1-3-12-6-7,
दोनों तरह के वो चीजें एक दिखाती है। लेकिन प्रेजेंटली जो है इस जातक की, अभी जो पीरियड चल रहा है वो वीनस का पीरियड चल रहा है 2014 से। 2014 से लेके, तो वीनस का पीरियड तो 20 साल का रहता है महादशा, तो 2034 तक, 2034 तक जो इस जातक की महादशा चलेगी, वीनस की चलेगी। वीनस वापिस यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है मार्स के साथ ही, और 4, 7, 9, 11 को सिग्निफाई कर रहा है। जब तक जो भी काम है अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, 6-8 का प्रोमिनेंट रिजल्ट है। 6-8 का प्रोमिनेंट रिजल्ट होने की वजह से हेल्थ इश्यूज इस पीरियड में इनको कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं दिक्कत देते ही रहे होंगे। हाँ, वो प्रोमिनेंटली है जब जब वो दशा में उसका जो प्रत्यंतर चलेगा या भुक्ति चलेगी, जिसको अंतरा या भुक्ति कहते हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि इनका मून कंटिन्यूअसली 6, 8, 3, 12 दे रहा है, तो हेल्थ इश्यू को दिक्कत होगी। तो वो छोटी मोटी जो चीजें चल रही हैं या बड़ी कोई इवेंट होगी, वो इस क्लास का टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के द्वारा अगर कुछ आप देखना चाहते हैं प्रोफेशन में, आप अपना भी दोस्तों चार्ट में देखिएगा जुपिटर और सैटर्न कहाँ बैठा है, और उसके बाद देखिएगा 10th हाउस का जो कसपल सब लॉर्ड है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, 10th हाउस का जो कसपल सब लॉर्ड है वो कौन बना है और वो क्या वैल्यू दे रहा है। अगर आप जुपिटर, सैटर्न और 10th हाउस के कसपल सब लॉर्ड में से जो प्रोमिनेंट हाउस है उसका काम करते हैं, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जय श्री राम। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी और लोगों में भी इसको आगे बढ़ावा दें। जय श्री राम।